हमार विंध्य स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंचे देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन सोनू के संगे। रीमा माँ मनगवा थाना के निर्मल पेट्रोल पंप के पीछे एक दंपत्ति रहत रहे। बतावा जात है कि पति शराब की दुकान में नौकरी करत रहा। सूत्रन से जानकारी मिली के पति बेटू शुक्ला उम्र 32 साल सरफास की गोली लेके आए रहे, जेका पत्नी रुचि शुक्ला उम्र 30 साल पति से लेके जहर खा लीन, जेकर अस्पताल ले जात समय मौत हो गई। बतावा जात है कि 2 दिना पहले दोनों पति पत्नी लड़ाई कर रहे हैं। वहीं पूरे घटना का लेके पुलिस जांच में जुटी है। रीमा में बेरोजगार युवक युवती का रोजगार दे खातिर कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देशन में जिला रोजगार कार्यालय और यशस्वी ग्रुप के संयोजन में 23 जुलाई का रोजगार मेला के आयोजन की गयी। यह रोजगार मेला जिला रोजगार कार्यालय सिरपी प्लाजा बी ब्लॉक के दूसरे मंजिला में हुई। ए मेला में 2 कंपनी आई है, जे में अनसुईया सिक्योरिटी रीवा और फ्लिपकार्ट में युवकन के चयन की गयी। रीमा जिला के हनुमना तहसील अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पतुलखी में लड़कियन के जिंदगी के संगे खिलवाड़ की जात लागब है, जहां स्कूल के रेलिंग टूटे से कुछ लड़कन का चोट लगी है। ए मामला में जब हनुमना SDM से बात की गई तो कहीं लड़का खेलत रहे तो गिर गया हम, रेलिंग नहीं टूटिया, जबकि लड़कन का कहा है कि रेलिंग टूट गई ही। क्या नाम है आपका? साहिल अंसारी। यही बात है, यहीं पर मेरे ऊपर गिर गया, चोट लग गई है यहाँ पे। काफी चोटें लगी हैं आपको, कौन सी स्कूल है? शासकीय हाई स्कूल पतुलखी। प्राचार्य का क्या नाम है आपके? सर का श्रीनिवास। इसके बारे में प्रारंभिक जांच में हमको जो पता मिला है कि कोई रेलिंग नहीं गिरी है, कोई बच्चा और रेलिंग पर चढ़ करके वहाँ पे कूदा है, जिसकी वजह से उसको थोड़ी सी फीट के कमर के पास जो है तो कुछ लड़ गया है, और किसी रेलिंग के गिरने की कोई जानकारी नहीं है। नहीं, आप जिस विद्यालय की बात कर रहे हैं वहाँ तो आज भी विद्यालय में प्राचार्य थे और बच्चे भी थे वहाँ, उन्होंने बताया कि ये जो घटना बता रहे हैं कि प्राथमिक के बच्चे भी वही पास में थे, तो इसकी हम और जांच करा लेंगे। कि कलेक्टर मनोज पुष्प कहीं के पंजीकृत किसान का ग्राम पंचायत सचिव और पटवारी के माध्यम से सूचना दी के ग्राम पंचायत भवन में बुलाए के उनकर KYC अपडेट करावा जाए। बतावा जाता है कि सगले किसान 31 जुलाई तक आपन आपन KYC अपडेट करा लें। सतना के रामपुर थाना अंतर्गत रामनगर गौरैया में खेते में काम करत रहा एक युवक 11,000 वोल्टेज के करंट के चपेट में आएगा, जैसे युवक के मौत हो गई। युवक के नाम ज्ञानी यादव हवे, वहीं युवक के भाई रंजीत यादव पोस्टमार्टम खातिर सबका ले जाए से मना करीन था। अस्पताल के चौकीदार और पुलिस वाले हाथापाई करीन हमा। चौकीदार के नाम विनय और केदार बतावा जाता है। चेक करने के लिए बोल रहे थे, तुमने यहाँ तक पाई किया ना? मेरे साहब एक बार चेक कर दीजिए उसको, हार्ट में तो कुछ नहीं होगा, बोले कि मर गया, ऐसा डेट हो गया। ये गाड़ी यही अस्पताल की है ना? यही गाड़ी यही अस्पताल की है। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम रंजीत यादव। रंजीत यादव, रामनगर। मतलब चेक करने के लिए बोल रहे थे, चेक नहीं किया ना? करने के लिए बोले कि ये नहीं, बल्कि मारे मेरे को। मारे हैं? क्या मारे हैं? लाठी मार दी मेरे सिर पे, लाठी मार दी है, मुटका भी मारे हैं। ठीक। रामनगर के रहने वाले, नाम थाना क्या है? थाना क्या है? थाना रामपुर है मेरा, रामपुर बागेलान। तो मतलब ये रामनगर, ये रामपुर वाला। ठीक है, ये बताओ ये मृतक के साथ क्या हुआ था? रीमा जिला के हनुमना थाना अंतर्गत अटरिया गांव में हनुमना थाना प्रभारी के नेतृत्व में 140 किलो गांजा के संगे 2 आरोपी का गिरफ्तार करके जेल भेज दिन गए। पुलिस का मुखबिर से सूचना मिली रही कि आरोपी रजनीश पटेल और रामबकस पटेल अपने ब्रेजा कार में गांजा के खेप लेके प्रतापगढ़ होई के सीधी जाए वाला रहा। अब बात करी थे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवगांव के, जहां राजेंद्र शुक्ला जे सरकारी स्कूल में मास्टर हम ऊ अपने प्रत्याशी के सरपंची के चुनाव हारे के बाद JCB मशीन लगवाए के रोड खुदवा दीन हम, जैसे अब गांव वाले परेशान होत हम, जेके चलते लड़का स्कूल नहीं जाए पावत लागा ही। नवनिर्वाचित सरपंच रामायण साहू बताएं के विपक्षी चुनाव हरत या मेयर की घटना का अंजाम दे के जनता का परेशान करत हम।
ये बताइए किस ग्राम पंचायत से अभी आप चुन करके आए हैं? दो गांव कला। नाम क्या है आपका? रामायण प्रसाद साहू। रामायण प्रसाद साहू, आपके यहाँ अभी जेसीबी से जो मतलब आपके विपक्षी थे जो हार गए हैं चुनाव, उन्होंने रोड को ही खनवा दिया है, क्या मामला है, आप थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? जी सर, इसमें चुनाव हारने के बाद उसने न चुनावी मुद्दा लेके न हमारे पब्लिक को इतना परेशान कर रहे हैं जी, कि जो स्कूल से चलने वाले बच्चे उनको भी अवरुद्ध हो चुका है जी। तो कल की तारीख में ऐसा कि वहाँ से रात में चलने के लिए भी कोई रास्ते नहीं रह गए जी। तो हम लोग उसी चक्कर में यहाँ कलेक्टर या थाने या तहसील में इसके लिए ना निवेदन करेंगे। हमारे कहने का मतलब ये है कि ठीक है, चुनाव में हार जीत तो होती रहती है, तो इसमें गांव वालों का कोई मतलब न होना चाहिए, उसमें काहे रोड खनवा दिए? लेकिन वो लोग सर इतना जाति प्रकरण और हारने के कारण पब्लिक को इतना परेशान करना चाहते कि क्योंकि दक्षिण टोला से जो हमारा चुनावी मेन कला पंचायत का मेन गढ़ है जहाँ से हमको भरपूर मतें मिली। और एक बात, दूसरी बात, वहाँ स्कूल भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो वही रोड कनेक्ट करती है। जी 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 जी। और आप इसके बारे में कहीं लिखित दिए हैं? लिखित देने के जा ही रहा था सर कि बारिश हो रही है, मैं रुका हूँ और कल सुबह सुबह मैं हर जगह यहाँ से कलेक्टर तक पहुँचाऊंगा सर। बिल्कुल, धन्यवाद आपका, आपकी बात हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। जी सर, जी सर, और हमारे जनता को हो सकता है कि न्याय मिलने की आशा कर रहा हूँ सर मैं। धन्यवाद आपको। आज खातिर इतना, बघेली में बिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के संगे, नमस्कार।